नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की ओर से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वर्तमान समय में कोविड-19 की वजह से यद्यपि विद्यालय बंद हो गया है, लेकिन अध्यापकों के क्या कर्तव्य हैं और अध्यापकों को विद्यालय में जाकर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसकी जानकारी दी गई है। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के क्रियान्वयन के संबंध में इसका विषय है। यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है कि कोविड-19 के पुनः प्रसार के कारण विद्यालय स्तर पर पठन पाठन की स्थिति बाधित हो गई है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभिभावक बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुँच बनाने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का द्वितीय चरण 12 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं सरकार के द्वारा कुछ ऐप भी बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चे घर पर रहकर भी एप्लीकेशन का यूज करके, जैसे रीड एलॉन्ग हो गया, माई स्कूल ऐप हो गया, तमाम प्रकार की चीज़ों को सीख सकते हैं, गतिविधियों को कर सकते हैं। हालांकि एक नेटवर्क की बहुत बड़ी इश्यू रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं होती है, तो ये एक अलग समस्या है। लेकिन जिन बच्चों के पास है मोबाइल, ऐसे में उनके मोबाइल में ये सिस्टम आपको डालना है। अगर उनके पास ऐप नहीं है तो वो ऐप डालना है, एलॉन्ग है, उसमें स्टोरी रीडिंग है और भी कई अच्छी चीज़ें हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ ये बताया गया है कि ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षिक सामग्री जो सम्मिलित की गई है, उसी के क्रम में विभाग द्वारा सीखने और अभाव को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से जो भी कार्यपुस्तिका है, गतिविधि आधारित TLM वगैरह है, और पाठ संबंधित शैक्षणिक वीडियो पूर्ववत साझा की जाएगी, ठीक है, ई पाठशाला के माध्यम से। इसके अलावा विभाग द्वारा जो भी कक्षावार विषयवार शैक्षिक सामग्री जो कंटेंट भेजा गया है, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना है। जैसे आप कक्षा 4 में पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 4 के बच्चों के मोबाइल नंबर नोट करके एक ग्रुप बनाएंगे आप, और उनके गार्जियन के, अगर बच्चे चूँकि 4 में हैं तो मोबाइल नहीं चलाएंगे, तो उनके गार्जियन को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे और कोई एक समय निर्धारित करेंगे और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट विद्यालय यही कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो वो यही काम कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसी पर अपना कंटेंट डाल दे रहे हैं और उसी से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कुछ उसी से मिलता जुलता सरकार का ये फरमान है कि इस दौरान अध्यापकों को भी यही कार्य करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। आप पहले कुछ देखिए, ये जो बात मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग इसका तुरंत विरोध भी करने वाले होंगे। इसी वीडियो के नीचे कुछ लोग कहेंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा, या ऐसा इससे बेहतर है कि हम घर पर बैठें, सही रहेगा भाई, क्यों हम स्कूल जाएं। दूसरी ओर ये है कि जो भी सुविधाएं हैं उसी में, मतलब अपने आप को आप सरकार के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है उसमें उसका पालन करिए और प्रयास करिए कि अगर बच्चा मोबाइल वाला है या उसके पिताजी के पास मोबाइल है तो उसमें ये तमाम प्रकार की चीज़ें दी जा सकें। हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया और एलॉन्ग ऐप कई बच्चों का डाउनलोड भी करवाया और कई बच्चे उससे लाभान्वित भी हो रहे थे, और बच्चों के अंदर बड़ी उत्सुकता रहती है उस प्रकार की चीज़ों को देखकर जानने की और पढ़ने की। यहाँ पर अगली बात कही गई है कि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से अपनी कक्षा के न्यूनतम 2 बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके साथ बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा करना है, गृहकार वगैरह की जाँच करना है, देना भी है बच्चों को। और यहाँ पर ये बात यहाँ लिखी गई है कि जो अभिभावक हैं उनके मोबाइल पर रिडलांग प्रेरणा ऐप दीक्षा ऐप को डाउनलोड करवा दीजिए, और अभिभावकों को इन एप्लीकेशंस की विशेषताओं के बारे में बताना है कि किस प्रकार से वो उसका सदुपयोग कर सकते हैं और बच्चों को घर पर रहकर भी पढ़ा सकते हैं। कुछ ऑफलाइन होते हैं, जैसे रिडलांग ऐप में ऑफलाइन स्टोरीज डाउनलोड हो जाएंगी, तो जब नेटवर्क नहीं रहेगा तो भी उसको बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दीक्षा ऐप बहुत बढ़िया ऐप है, उसमें 400 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री भी है, उसके माध्यम से भी, मतलब जो भी पाठ्य पुस्तक दिया गया है उसमें QR कोड के माध्यम से, और नहीं भी आप QR कोड है तब भी आप उसमें कुछ कंटेंट दिए हुए हैं उसका बच्चों को मतलब पढ़ा सकते हैं। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। प्रतिदिन आपको 5 बच्चों से बात करना है और आपको शिक्षक डायरी भी मेंटेन करके रखनी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षक डायरी क्यों बनाएं जब विद्यालय चल ही नहीं रहा, तो विद्यालय चल रहा है जिस प्रकार से और जिस प्रकार शासन का आदेश है उसी प्रकार से आपको काम करना और उसी प्रकार से अपनी डायरी भी मेंटेन
करनी है। प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्य योजना पूर्व में शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित करिए और प्राथमिकता के आधार पर जो भी मतलब आपको समय दस्त पुस्तिका दी गई है और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका उसी के हिसाब से काम करिए। ठीक है, बच्चों की शैक्षिक प्रगति के संबंध में जो भी मतलब प्रेरणा लक्ष्य प्रेरणा सूची है उस पर आप कार्य करिए, संबंध में उनको जानकारी देने का प्रयास करिए। जैसे कक्षा एक का बच्चा तो उसके लिए क्या प्रेरणा लक्ष्य उस पर आपको काम करना है। तो कहने का मतलब बहुत से काम है, अगर अध्यापक चाहें तो काम ही काम है और न चाहें तो फिर कोई काम नहीं है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।